Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'll be covering another episode, that is episode number 7 of Special 26 series. And in this episode I'll be covering Charak Nidan Sthan chapter 1 to 4. In the subsequent series I'll be uploading Charak Nidan Sthan chapter 5 to 8, so that in two videos Charak Nidan Sthan will be completed. So let's start the video. The first question: which among the following is a synonym of Nidan? Synonym of Nidan: Pratyay, Mukh, Prerana, all of the above. Answer is all of the above. Nidan Sthan में प्रत्यय जो है वो निदान का synonym बताया हुआ है. इसके अलावा मुख और प्रेरण, ये महारोग अध्याय में निदान का पूर्व रूप बताया है, मुख और प्रेरण. इसके अलावा जो निदान के synonym बताए गए हैं वो है हेतु. हेतु से आपको पता ही है, हेतु मतलब कारण होता है, निदान होता है, कर्ता हो गया, कारण हो गया. निमित्त जो है ये भी एक टाइप है कारण का, निमित्त कारण होता है. आयतन और समुत्थान, ये याद रखिए कि आयतन और समुत्थान प्रत्यय मुख प्रेरण, ये डिफरेंट वर्ड्स है जिसका मीनिंग हम एग्जैक्टली नहीं पता लगा पाते कि निदान का ही सिनोनिम है, हम कंफ्यूज होते हैं. हेतु कर्ता कारण अंडरस्टूड है, निमित्त अंडरस्टूड है. आयतन समुत्थान जिससे उत्थान हो रहा है, मतलब जिससे जो कॉजरी फैक्टर है. इसके अलावा मुख प्रत्यय प्रेरण, तो ये जो डिफरेंट नाम है वो याद रखना है, ये निदान का सिनोनिम है. Injection of poison will lead to death. This is a type of Nidan. Which type of Nidan? Sannikrisht, Viprakrisht, Vaibhichari, Pradhanik. Answer is Pradhanik. अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ Sannikrisht, Viprakrisht, Vaibhichari और Pradhanik होता क्या है. Sannikrisht होता है जो near cause होता है, जैसे दोष प्रकोप कारण से कोई भी डिजीज की उत्पत्ति होती है, वो है सन्निकृष्ट निदान. विप्रकृष्ट जो नियर कॉज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है और वसंत ऋतु में उसका प्रकोप होता है, तो प्रकोप होने की वजह से जो व्याधि होंगी वसंत ऋतु में, लेकिन इसका ये जो निदान कहलाएगा क्योंकि इसका संचय हमारा हेमंत ऋतु में हुआ है कफ का, तो ये विप्रकृष्ट निदान हो जाएगा. इसके अलावा है व्यभिचारी, पर व्यभिचारी को हम ले सकते हैं स्लो पॉइजनिंग में, दूषी विष में, जो धीरे 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 एक्युमुलेट होके फिर डिजीज कॉज करता है. प्रधानिक निदान वो होता है जो इमीडिएट डिजीज या इमीडिएट कोई ना कोई इंफेक्शन या इमीडिएट कोई ना कोई इफेक्शन कॉज करता है. तो इंजेक्शन ऑफ पॉइजन जो है वो इमीडिएट डेथ कॉज करेगा, सो दैट इज वाई ये प्रधानिक निदान है. तो ये समझना बहुत जरूरी है. अगर ये चारों चीज समझ जाएंगे तो इनके लिए कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो यू कैन इजिली कैटेगराइज इट अमंग द टाइप ऑफ निदान. पूर्व रूप इज ऑल्सो नोन एज आंसर इज अन्य लक्षण. पूर्व रूप की सिनोनिम चरक में नहीं बताया गया है. यहाँ पे सुश्रुत का याद रखिए आप कि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में प्रधान व्याधि को प्राक केवल कहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन में है प्राक केवल प्रधान व्याधि को बोला है. अन्य लक्षण पूर्व रूप को बोला है क्योंकि वो लक्षण से अलग लक्षण है, मतलब लक्षण से अलग जो है परे जो है वो अन्य लक्षण, वो हो गया पूर्व रूप को बोला है. औपसर्गिक बोला है उपद्रव को. औपसर्गिक जो बाद में उत्पन्न होने वाला है वो उपद्रव होता है, तो ये अंडरस्टैंड है. इसके अलावा व्यंजन जो है वो रूप का पर्याय है. व्यंजन रूप का पर्याय है. व्यंजन याद रखिए, रूप के और भी पर्याय बताए हैं, जैसे लिंग है, आकृति है, लक्षण है, चिन्ह है, संस्थान है, व्यंजन है. तो इसमें व्यंजन है जो डिफरेंट वर्ड है वो याद रखना है कि यह रूप का पर्याय है. इसके अलावा ये भी याद रखिए यहाँ पे कि पूर्व रूप जो है ये कौन से क्रियाकाल में रहता है, ये फोर्थ स्टेज में या फोर्थ क्रियाकाल में रहता है, जो कि स्थान संश्रय होता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है पूर्व रूप का पूछा है कि कौन सा है, तो आप इसके साथ साथ ये चारों ऑप्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी याद रखिए, या पूर्व रूप का और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि स्थान संश्रय क्रियाकाल में होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है. तो एक ही क्वेश्चन में आप 4-5 पॉइंट्स को याद रखिए ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाए. हु क्लासिफाइड द उपचय.
उपहे को जो है सक्रमाणी ने तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। वो जो क्लासिफाई किया है वो हेतु विपरीत और हेतु विपरीत अर्थकारी, मतलब विपरीत और विपरीत अर्थकारी, ऐसे दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। वही जो विपरीत और विपरीत अर्थकारी है उसमें तीन क्लासिफिकेशन है कि हेतु विपरीत हो सकता है, व्याधि विपरीत हो सकता है, उभय विपरीत। इसके अलावा विपरीत अर्थकारी में सेम हेतु, व्याधि और उभय, ऐसे हो गए। फिर इन्हीं के ही फर्दर क्लासिफिकेशन है कि औषध, अन्न और विहार, ऐसे क्लासिफाई करके टोटल 18, अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में देखेंगे टोटल 18 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, टाइप ऑफ संप्राप्ति आर डैश इन नंबर। तो सिक्स टाइप्स है, क्या क्या है? संख्या प्राधान्य, विधि विकल्प, बलकाल। संख्या प्राधान्य, विधि विकल्प, बलकाल, ये जो छह टाइप्स के संप्राप्ति है वो आचार्य चरक ने बताया है। इसके अलावा माधव निदान में पांच टाइप की ही बताया है, वाग्भट में भी पांच ही टाइप की, उसमें विधि को जो है विधि को नहीं माना है वाग्भट ने भी, तो वहां पे पांच टाइप के बताए हैं संप्राप्ति और चरक में सिक्स टाइप। पिंडिगे उद्वेष्टनम इज फाउंड इन क्योंकि ये लक्षण जो है कॉमन था तीनों में, इसलिए क्वेश्चन डाला है। वातज ज्वर में भी है, वातज नानात्मज विकार में भी, विकार में भी पिंडिको उद्वेष्टनम है, और पुरीष वेग निग्रह भी पिंडिको उद्वेष्टनम मिलता है। प्रत्येक आरोचक अभिपाक इज द लक्षण ऑफ आंसर इज वातज ज्वर। प्रत्येक आरोचक अभिपाक जो है ये यूजुअली कफज का लक्षण में ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे वातज ज्वर में निदान स्थान में प्रत्येक आरोचक अभिपाक लक्षण मिल रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लक्षण नॉर्मल रेगुलर उस दोष के लक्षण से हटकर है वो लक्षण आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वातज जैसे वातज ज्वर में परुष, अरुण, वर्णक, नयन, वदन बता रखा है, तो ये कुछ अलग नहीं बताया है, ये जेन्युइन है। वात में जो है परुष और अरुण वर्ण मिलता है तो ये जेन्युइन है, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप रीड कर लीजिए। आपको जो याद करना है कि क्या उसके हटके लक्षण बताए हैं, क्या उसका डिफरेंट लक्षण बताया है, वो याद करना है। जैसे यहाँ पे अन्नरस खेत बताया है, ये भी वातज ज्वर का लक्षण बताया है। इसके अलावा प्रत्येक आरोचक अविपाक बताया है जो यूजुअली पित्तज का लक्षण होता है, लेकिन यहाँ पे वातज ज्वर के लक्षण में हमें ये मिलेगा। रक्तकोठ अभिनिवृत्ति आंसर इज पित्तज ज्वर। कि ये निदान स्थान में टाइप्स देख रहे हैं, तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें कुछ मुख का रस कैसा होता है ये भी बता रखा है, तो आप उसको भी देखिए साथ ही में, और जो डिफरेंट लक्षण है वो देखना है साथ में, जो मुख के रस है, जो फॉर एग्जांपल पित्त ज्वर में बता रखा है कटु कास्यता, मतलब मुख का रस कटु हो जाना, तो इस तरह के लक्षण जो है वो भी आपको याद करना है। अभिसंगत ज्वर इज ड्यू टू आंसर इज वातपित्त। वात रक्त की वजह से अभिघातक ज्वर होता है, वातपित्त की वजह से अभिसंगज है, और वातपित्त कफ की वजह से बाकी के जो दो टाइप्स बचे हैं अभिशार और अभिशाप वो है। जो आगंतुक ज्वर है वो चार टाइप्स के बताए गए हैं, अभिघात, अभिशंक, अभिचार और अभिशाप। इसमें अभिघात हुआ तो रक्त जाहिर से, मतलब अभिघात हुआ तो रक्त का स्राव होगा तो वात की वृद्धि होगी वहां पे, तो वात रक्त हो गया। अभिसंग, संग से याद रखिए कि फर्स्ट के जो दोष है वो अभिसंग अभिसंग में है, जैसे कि वातपित्त हो गया, और बाकी के जो दो बचे अभिशार और अभिशाप, ये दोनों ही सन्निपातज है, इसमें वातपित्त कफ तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है।
विनाम लक्षण है सीन इन। ज्वर पूर्व रूप मूत्रवेग मज्जागत वात ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन में और भी ऑप्शन हो सकते हैं। विनाम लक्षण ज्वर पूर्व रूप में मिलता है, वातज ज्वर के लक्षण में मिलता है, मूत्र वेग में भी विनाम मिलता है, इसके अलावा जृंभा वेग में विनाम मिलता है, मज्जागत वात में विनाम मिलता है, और वैप्यता हिक्का, हिक्का का जो टाइप से चिकित्सा स्थान में जब आप पढ़ेंगे हिक्का के वैप्यता जो हिक्का है उसमें भी विनाम लक्षण मिलता है। तो जहाँ पे कुछ डिफरेंट लक्षण हो और कॉमन हो वो बहुत सारी जगह, तो एक ही जगह पे आप लिख लिया करिए ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ जीन वन इंक्लूड घृत सेवन, दुग्ध सेवन, बोस और नर। आंसर इज बोथ। निदान स्थान में घृत सेवन ही बताया गया है, श्रेष्ठ बताया है घृत सेवन को जीर्ण ज्वन के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन चिकित्सा स्थान में जीर्ण ज्वन के ट्रीटमेंट के लिए दुग्ध सेवन बताया है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो बोथ अगर आंसर में हो तो बोथ, अदरवाइज चिकित्सा स्थान का ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो दुग्ध सेवन लिखना है। और जैसे भी क्वेश्चन आएगा इट डिपेंड्स कि किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है क्वेश्चन। प्रतिमार्ग हरणम इज सेड फॉर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आंसर इज रक्तपित्त। यही भी याद रखिए स्वमार्ग हरणम चिकित्सा स्थान में बोला है, स्वमार्ग हरणम चिकित्सा बोली है अम्लपित्त की, अम्लपित्त की चिकित्सा जो बोली है वो बोली है स्वमार्ग हरणम, और प्रतिमार्ग हरणम जो है वो रक्तपित्त के लिए बोला है। रक्तपित्तम असाध्यम, अगर असाध्य रक्तपित्त है तो क्या लक्षण मिलेंगे? तद वासासो रंजनम यद वासासो न विरंजेत बोध या नल। यहाँ पे ये दोनों ही फ्रेज जो है वो सिमिलर लगते हैं, थोड़े से ऑपोजिट है बट, लेकिन पढ़ने में फिर भी सिमिलर लगता है। तद वासासो रंजनम और यद वासासो न विरंजेत। तो तद वासासो रंजनम, वासा मतलब वस्त्र, तो वस्त्र को रंजन कर दे तो वो रक्तपित्त असाध्य बोला है। यद वासासो न विरंजेत विधि बोला है शुद्ध आर्तव के लक्षण में बोला है। ये दोनों फ्रेज कंफ्यूजिंग है इसलिए रेफरेंस के लिए याद रखना है। टाइप्स ऑफ रक्तपित्त, आंसर इज थ्री। ऊर्ध्व अधः उभय, ऐसे करके तीन टाइप्स के रक्तपित्त हैं, और दो क्या है इसमें मार्ग जो है दो होते हैं, ऊर्ध्व और अधः दो ही मार्ग है, और भेद जो है वो ऊर्ध्व अधः उभय तीन है। पर भेद इज फाउंड एज, आंसर इज रक्तपित्त का उपद्रव में स्वर भेद मिलता है। इसमें ऑप्शन में राजयक्ष्मा भी हो सकता है, उरह शक्ति भी ऑप्शन में डाल सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव फिर हो सकता है ऑप्शन, लेकिन याद रखिए उपद्रव ज्वर में नहीं बताया गया है लेकिन रक्तपित्त का उपद्रव बताया गया है, ऐसे ही प्रमेह का उपद्रव भी बताया गया है। तो उनमें जहाँ जहाँ उपद्रव बताया गया है वहाँ वहाँ जो डिफरेंट लक्षण होगा वो याद रखिए, जैसे कि स्वर भेद है वो रक्तपित्त में मिलता है। साध्य रक्तपित्त इज, आंसर इज ऊर्ध्व। ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है वो साध्य है क्योंकि ऊर्ध्व रक्तपित्त की प्रतिमार्ग हरणम बताया है, मतलब जो अपोजिट मार्ग है उससे इसकी चिकित्सा करनी है, तो विरेचन जो है पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो ऊर्ध्व अगर रक्तपित्त है तो चिकित्सा क्या होगी उसकी, रक्तपित्त में क्योंकि प्रतिमार्ग हरणम है तो ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो चिकित्सा होगी जो उसका अपोजिट मार्ग है, यानी कि विरेचन से चिकित्सा होगी, और पित्त के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा विरेचन है, इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है वो साध्य है। नित्य गुल इज, सन्निपातज गुल्म को नित्य गुल्म बोला है। फाइव टाइप्स के गुल्म होते हैं, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, श्लेष्मज गुल्म, नित्य गुल्म और शौणित गुल्म। इसमें नित्य गुल्म सन्निपातज गुल्म को बोला है। ऐसे ही उदर रोग में सन्निपातज उदर को नित्य उदर या दुष्य उदर बोला गया है। पिपीलिका संप्रचारे व्यंगेषु,
आंसर इज वातज गुल। मुहु पुतलिका संप्रचार एवंगेशु वातज गुल में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिपीलिका संप्रचार या पिपीलिका से रिलेटेड जो लक्षण है वो प्रमेय में भी मिलता है। प्रमेय के जो पूर्व रूप है उसमें मिलता है षटपद पिपीलिका भिष्य शरीर मूत्र अभिसरणम। शरीर और मूत्र में अभिसरण मतलब घूमेगा, घूमता है, षटपद पिपीलिका। तो षटपद पिपीलिका भिष्य शरीर मूत्र अभिसरणम है तो वो प्रमेय का पूर्व रूप है। और मुह पिपीलिका संप्रचार इस अंगेशु है तो ये वातज गुल्म का लक्षण है। राजयक्ष्माण च अति प्रवेगः। कफज गुल्म में जो है लक्षण बताया है, कफज गुल्म का लक्षण में श्वास काश प्रतिशय के साथ साथ राजयक्ष्माण च अति प्रवृद्ध बताया। ये इम्पोर्टेंट है कि कफज गुल्म में राजयक्ष्मा के अति प्रवृत्त लक्षण मिलते हैं तो ये इम्पोर्टेंट लक्षण है, डिफरेंट है। ऐसे ही जितने और भी वातज गुल्म हो गया, पित्तज गुल्म हो गया, आपको जो डिफरेंट लक्षण दिख रहे हैं आपको खुद एसेस कर सकते हो। आप रीड करो, आपको जो इन तीनों के कॉन्ट्ररी लक्षण है, ऑपोजिट लक्षण है या कोई डिफरेंट ऐसा लक्षण है तो वो ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप उनको अलग से नोट करिए, उनको मार्क करिए, उनको याद रखिए। Who considered that Raktaj Gulma occurs in both genders? Charak, Sharbani, Bhattar, Harishchandra, both B and C. Answer is both B and C. Sharbani और Bhattar Harishchandra उन्होंने माना है कि Raktaj Gulma जो है वो पुरुषों में भी होता है स्त्रियों के साथ साथ, क्योंकि रक्त धातु की दृष्टि होती है इसलिए। पाक काले च अयुक्तय छद्य उद्गारो। पाप काले से अयुक्त छर्दी उद्गार। आंसर इस गुल्म पूर्व रूप में ये है। इसके अलावा जो शोष निदान है, जो शोष निदान या राजयक्ष्मा निदान जो है उसमें अन्न काले से आयास बताया है। अन्न काल में आयास होगा तो वो राजयक्ष्मा पूर्व रूप में बताया गया है। और गुल्म के पूर्व रूप में है पाक काले च अयुक्त छर्दी उद्गार, की पाचन काल में अयुक्त छर्दी उद्गार आएंगे। दुच्छेन प्रमेय एक्सेप्ट। आंसर इज अस्थि। 10 दुष्य होते हैं प्रमेय में। 10 दुष्य में सातों धातु में से सिर्फ अस्थि को छोड़ के बाकी 6 धातु है तो बचे हमारे 4, क्योंकि टोटल 10 दुष्य होते हैं तो 6 धातु हो गए अस्थि को छोड़ के। तो बाकी जो 4 बचे दुष्य वो है शरीरज क्लेद वसा लसिका ओज। शरीरज क्लेद वसा लसिका ओज। इक्तु में शीत में है कॉमन सिम्टम एज आंसर इज अत्यर्थ मधुर शीत। अत्यर्थ मधुर शीत जो है ये इक्तु में भी मिलता है, शीत में भी मिलता है। ये जो प्रमेय के टाइप्स है कफज के 10, पित्तज के 6, वातज के 4, इनके लक्षण याद करने का भी तरीका वही है। जो कॉमन सिम्टम्स है जिसमें मिल रहा है वो देख लीजिए। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो उस वर्ड से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे अगर शुक्ल में है तो शुक्ल पिष्ट निभम, तो शुक्ल पिष्ट निभम है तो वो शुक्ल में होगा, अंडरस्टूड है। कुछ होते हैं जो उस वर्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नील में भी बताया गया है चाक चाश पक्षी निभम मूत्रम अम्लम मिहति। चाश पक्षी निभम मतलब चाश पक्षी की तरह अम्ल मूत्र का स्राव होता है, अम्ल मूत्र का विसर्जन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या आप कॉमन सिम्टम्स को एक साथ याद रखिए, जैसे इक्षु में शीत में दोनों में अत्यर्थ मधुर शीत है। शीत में समझ आ रहा है कि अत्यंत मधुर, लेकिन इक्षु में भी अत्यंत मधुर शीत है। तो जो कॉमन सिस्टम है और जो डिफरेंट सिस्टम है जो नाम से अलग है। अगर काल मेघ में देखें तो मसी वर्ण अजस्रम अजस्रम मूत्रम उष्णम प्रमेहति ऐसे करके हैं। लेकिन काल काल का मतलब क्या है? काल से हम काला या डार्क उससे याद रख सकते हैं, और मसी जो है मसी का जो वर्ण होता है वो भी ब्लैक होता है, तो वो अंडरस्टैंड करके हम याद कर सकते हैं। लेकिन जहां पे जो उस वर्ड से रिलेटेड नहीं है वो डिफरेंट है, वो आपको अलग से नोट करना है, उसे आपको याद करना है। उसके अलावा जो जो कॉमन सिम्टम है वो याद करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन में पिच्छल भी सिम्टम है। पिच्छल सिम्टम जो है वो हमें इक्षुवलिका में भी मिलता है। इसके अलावा लाला में है,
उसमें भी पिच्छिल मूत्र मिलता है। तो जो कॉमन सिम्टम्स है वो और जो डिफरेंट सिम्टम्स है वो दोनों ही आपको अलग से याद करना है। अजस्रम मूत्रम इज फाउंड इन आंसर इज हस्ती में। वातज में चार टाइप के में है, वसा में वसा मिश्रम वसा वसाभम सिंपल है कुछ अलग नहीं है, मज्जा में मज्जा मज्जानम सह मूत्रम ये भी कुछ अलग नहीं है, हस्ती में हस्ती मत इव अजस्रम मूत्रम ये जो अजस्रम मूत्रम है दैट इज डिफरेंट तो याद रखना है आपको। इसके अलावा मधु में भी जो है वादज प्रमेय का ही टाइप है, इसमें कषाय मधुर पांडु रुक्षम मिहते यो नरः कषाय मधु पांडु, तो इन चारों को भी याद करने के लिए आपको सिर्फ दो को ही याद करना है क्योंकि बाकी दो पे कुछ डिफरेंट लक्षण नहीं है, सिर्फ दो ही याद करने हैं। एक हो गया हस्ती में इसमें अजस्रम मूत्र में याद करना है और मधुमेह में कषाय मधुर मधुमेह है तो मधुर तो हो गए तो कषाय मधुर, इसके अलावा पांडु रुक्षम इसमें भी याद रखिए। अगर रुक्ष है तो वातज का हो गया, तो ऐसे ही जो डिफरेंट सिम्टम्स है और जो सिमिलर सिम्टम्स है वो याद रखना है। पूति माम्स इज फाउंड इन आंसर प्रमेय उपद्रव। प्रमेय उपद्रव में पूति मांस एक उपद्रव है, तो ये आपको उपद्रव भी याद रखना है जो डिफरेंट उपद्रव है। जो कॉमन उपद्रव है वो क्वेश्चन में आने के इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन जो डिफरेंट उपद्रव है वो आने के चांसेस होते हैं, तो आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रमेय मेंशन इन निदान स्थान, संशोधन उपशमन मृदु संशोधन उपशमन तीक्ष्ण संशोधन उपशमन नन ऑफ द अबव। आंसर इज संशोधन उपशमन। तत्र साध्यान प्रमेहान ऐसे बोला गया है, तत्र साध्यान प्रमेहान साध्य प्रमेह के लिए संशोधन उपशमन ये चिकित्सा करनी है। तीक्ष्ण संशोधन उपशमन ये जो थर्ड सी ऑप्शन है ये अपस्मार चिकित्सा में बताया गया है, अपस्मार चिकित्सा का सूत्र है कि तीक्ष्ण संशोधन उपशमन करना है और संशोधन उपशमन जो है वो प्रमेह में करना है। तो इस तरह से जो भी ऐसे सिमिलर या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।